पर सुबह शहर की बड़ी ईदगाह पर नवाज अता की गई, जिसमें शहर के हजारों लोगों ने देश के अमनो चैन के लिए दुआ मांगी। पुलिस प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के बीच ईद उल जहा की नमाज अता की गई, जिसमें मुफ्ती साबिर ने नमाज पढ़वाई। इस दौरान बारिश भी नवाजियों को अपनी जगह से हिला नहीं पाई। बारिश में भी अल्लाह के प्रति लोगों का अटूट विश्वास कायम रहा और नमाज के दौरान सभी देश में अमन और चैन की दुआएं मांगते रहे। इस दौरान शहर के संभ्रांत नागरिकों के साथ विभिन्न दलों के नेता भी यहां पहुंचे और उन्होंने नमाजियों को जलपान इत्यादि कराया। तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूं और साथ साथ में आज 15 अगस्त की वजह से जो लोगों को यहां आज़ादी का जो परचम लहराया है उसमें हमारे पुरखों ने और इससे पहले के हमारे बुज़ुर्गों ने, उलमा ने और हिंदुस्तान के वतनी भाइयों ने मिलकर जो इस मुल्क को आज़ाद कराया था, उन सबको मैं अकीदत और मोहब्बत के साथ खराज अकीदत भी पेश करता हूँ, सलाम भी करता हूँ और तमाम भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के साथ साथ ये भी अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस नमाज को बेइंतहा बड़े अजर व सवाब के साथ यकीन के साथ अल्लाह ताला ने इसको कबूल फरमाया है। आज ईद उल जुहा के अवसर पर मैं सभी बुंदेलखंड वासियों को, प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और यही हमारी सब लोगों से अपील होगी कि इस मौके पर हम लोगों को मिलजुल करके भाईचारे को कायम रखना चाहिए और आगे आने वाले समय में देश को, प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए एक अमन चैन का अच्छा वातावरण बनाने की ज़रूरत है। झांसी यूनिट की तरफ से आज एक रिलीफ कैंप लगाया गया ताकि केरला में जो बाढ़ आई हुई है हम लोग उसके लिए कुछ कलेक्शन कर रहे हैं, पैसे भी, सामग्री भी, ताकि जो कुछ हम लोगों को मिले उसको हम लोग वहाँ पहुँचा सकें और जो बाढ़ पीड़ितों को हम लोग राहत पहुँचा सकें, यही हमारा आज का मकसद है। न्यूज़ बीके के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।